Hey guys, welcome back again on channel. Metaverse एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे कहा जाता है कि आने वाले फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी इंटरनेट की दुनिया को बदल देगी। 28 अक्टूबर 2021 को फेसबुक इंक ने अपना नाम बदलकर मेटा रख लिया। ये नाम उन्होंने मेटावर्स से लिया है, जिसका मतलब है हकीकत से आगे की दुनिया। मेटावर्स हाल ही में काफी चर्चा का विषय है, लेकिन मेटावर्स तब से है जब से मशहूर आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का इन्वेंट किया था। तो चलिए जानते हैं मेटावर्स के इन्वेंशन के बारे में और कुछ उसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। मेरे साथ मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं होमस्टे। बॉलीवुड की कुछ फिल्मों में जिस तरह की दुनिया को हमने देखा है, वैसी दुनिया को हकीकत में बनाने का नाम है मेटावर्स। मेटावर्स वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, क्रिप्टो करेंसी और इंटरनेट जैसी टेक का उपयोग करके बनाई गई एक डिजिटल दुनिया है। मेटावर्स पे पिछले 40 वर्षों में बहुत कुछ हुआ है। 1989 के वर्ल्ड वाइड वेब से लेके मार्क जकरबर्ग की 2021 की मेटावर्स प्रोग्राम की अनाउंसमेंट तक। मेटावर्स के इन्वेंट की हम बात करें तो साल 1992 में साइंस फिक्शन लेखक नील स्टीफनसन ने एक नोवेल लिखा था, जिसका नाम था स्नो क्रैश। इस नोवेल में पहली बार मेटावर्स पर जिक्र किया गया था। इस नोवेल में नील स्टीफनसन ने इंटरनेट की ऐसी दुनिया की कल्पना की थी जिसमें इंसान घर बैठे रहे, लेकिन उसकी 3D इमेज पूरी दुनिया में कहीं पे भी पहुंच जाए। मतलब एक असल दुनिया के साथ ही एक वर्चुअल दुनिया भी होगी जिसमें आप घर बैठे रहे और दुनिया में कहीं पे भी पहुंच सकते हैं। 2003 में फिलिप रोसेडेल और लेडन लैब में उनकी टीम ने सेकेंड लाइफ, एक ऑनलाइन वर्चुअल वर्ल्ड को अनवील किया था। फिर इसके बाद 2009 में बिटकॉइन आया, जो दुनिया का पहला क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म बन गया था। अब ध्यान से सुनना, आपको एक मजे की बात बताता हूँ। मजे की बात यह है कि क्रिप्टो करेंसी का भी पहले एक नोवेल में ही जिक्र किया गया था। आज टेक्नोलॉजी के इतने तेजी से विकास से क्रिप्टो करेंसी एक हकीकत बन चुकी है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले समय में मेटावर्स भी एक हकीकत हो सकता है। 2011 में एक और साइंस फिक्शन राइटर आर्नेस्ट क्लाइन ने अपने एक नोवेल में रेडी प्लेयर वन के जरिए लोगों को वर्चुअल रियलिटी से इंट्रोड्यूस कराया। फिर फेसबुक ने 2014 में वर्चुअल रियलिटी के हार्डवेयर और प्लेटफॉर्म ओकुलस को एक्वायर कर लिया। मार्क जकरबर्ग मोनोपोली में लगता है ज्यादा बिलीव करते हैं। खैर छोड़ो, अपने क्या लेना देना। 2017 में फोर्टनाइट रिलीज हुई। इस गेम ने इंट्रोड्यूस किया वर्चुअल कॉन्सर्ट और टूर को। 2021 में माइक्रोसॉफ्ट ने मेस को अनवील किया, जो कि मल्टीपल डिवाइस में वर्चुअल कोलैबोरेशन के लिए डिजाइन किया गया था। मेटावर्स की दुनिया को एक आसान से एग्जांपल से ऐसे समझा जा सकता है कि अगर किसी व्यक्ति की शादी होती है आज के समय में, तो लोग एक जगह पे इकट्ठा होंगे, लेकिन मेटावर्स के आने से ऐसा होगा कि दूल्हा और दुल्हन भी शायद अपने घर पे रहे और बाकी मेहमान भी बस वर्चुअल तरीके से अपनी अपनी इमेज के जरिए इकट्ठा हो जाए और आपस में 3D इमेज के जरिए ही बात करें और अपनी पूरी रस्में पूरी करें। 2009 में हॉलीवुड की एक फिल्म आई थी अवतार, जिसे पूरी दुनिया में बहुत पसंद किया गया था। आपको बता दूं कि अवतार फिल्म में भी कुछ हिस्सों में दिखाया गया है कि ये एक मेटावर्स की दुनिया है। मेटावर्स की इस टेक्नोलॉजी पर पूरी दुनिया में तेजी से काम चल रहा है। आपको इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि गेमिंग कंपनी एपिक्स गेम्स ने बीते दिनों को एक म्यूजिक कॉन्सर्ट ऑनलाइन आयोजित किया था, जो कि वर्चुअली था और उसमें लोगों ने वर्चुअली ही हिस्सा लिया था। मतलब लोग अपने घर में बैठे हुए थे और अपने पॉप स्टार को वर्चुअली कॉन्सर्ट में मिल रहे थे और नाच रहे थे। भविष्य में ऑफिस की मीटिंग और क्लासेस भी इसी तरह से ऑर्गेनाइज की जा सकती है। ऑनलाइन गेम्स में पहले से ही वर्चुअल वर्ल्ड एक हकीकत का कॉन्सेप्ट बन चुका है। भविष्य में हकीकत की दुनिया भी वैसी ही हो जाएगी जैसी आज गेमिंग की दुनिया है। अभी ये सब बातें आपको बड़ा चढ़ा के लग रही होगी, लेकिन जैसे ही टेक्नोलॉजी का रैपिडली डेवलपमेंट होगा, उसी तरह से धीरे धीरे ये सब बातें आम लगने लगेगी। मेटावर्स के कुछ फैक्ट्स जानने से पहले, अगर आपने अभी तक होमस्टेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन को जरूर दबा दो, ताकि होमस्टेड के आने वाले हर एक वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मेटावर्स का पहला फैक्ट ये है कि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट इस्टीमेट करती है कि 2024 तक मेटावर्स का मार्केट साइज $800 अरब तक पहुँच सकता है। मेटावर्स का दूसरा फैक्ट ये है कि मेटावर्स के बारे में जब लोगों से पूछा गया कि आप मेटावर्स में क्यों शामिल होना चाहोगे,
तो उनमें से 48% लोगों ने कहा कि वो लाइव एंटरटेनमेंट और आर्ट्स के लिए मेटावर्स में शामिल होंगे, जबकि 44% ने कहा कि वो एनईएफटीज के लिए और बिटकॉइंस के लिए मेटावर्स में शामिल होंगे। अगर मेरी पर्सनली बात करूँ तो मैं मेटावर्स में शॉपिंग के लिए जाना चाहूँगा, क्योंकि आज हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो इमेज को देख के करते हैं, लेकिन मेटावर्स में हम उस एक्चुअल प्रोडक्ट को हम फील कर पाएंगे। मेटावर्स का तीसरा फैक्ट ये है कि एशिया में सबसे पहले मेटावर्स पर शादी किस देश में हुई। आपके पास 5 सेकेंड है, सोच लो या अंदाजा लगा लो, देखते हैं आप कितने क्रिएटिव और इनोवेटिव हो। 1, 2, 3, 4 और 5। मेटावर्स पर सबसे पहले शादी करने वाले भारत के दो जोड़े थे, अभिजीत और संसरित, जिन्होंने 5 फरवरी 2022 को योगर्ट मेटावर्स पे शादी की, जो कि एक इंडियन मेटावर्स प्लेटफॉर्म है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि होमस्टेट के आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मिलता हूँ अगले हफ्ते एक वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, अपने आजू बाजू सफाई रखें, नियमों का पालन करें और ईमानदार बने।